हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे जो चैनल पे जो दिक्कत आ रही थी तो वो मेरी सॉल्व हो चुकी है, वो भी आप सबके प्यार और सपोर्ट से। और जो हमारे जो यूट्यूबर हैं टेक्निकल इसरार सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरे चैनल पर। और सबसे ज़्यादा दुआ जो लगी है मेरी यूट्यूब फैमिली की, मेरा चैनल बच चुका है। और मैं इसी जो मेरे चैनल पर दिक्कत आई है, मैं आप सबसे बयां ज़रूर करूँगी और एक वीडियो ही बनाऊँगी पर्टिकुलर, जिससे कि आप भी उस वीडियो को देखकर आप भी अपने चैनल पे कोई भी दिक्कत आती है तो पहले से पहले ही हैंडल कर लें। तो मैंने ये मुझे जो जानकारी मिली थी वो शाम में मिल गई थी, और फिर मुझे अचानक ना जाना पड़ा मायके, तो मैं वीडियो नहीं बना के डाल सकी थी, तो मैंने फिर रात में डाली है फ्रेंड। तो मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए, तो हम जा रहे हैं। और फिर मैं मायके जाकर फिर मैं बताऊंगी कि मैं फिर कहाँ जा रही हूँ। तो मैं बताऊंगी वीडियो में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। और आप प्लीज़ ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो चैनल पे दिक्कत आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं आप सब ने मेरे को जो कमेंट किए हैं मैं कमेंट देख लेती थी और पर जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर कोई नई परेशानी आई है तो वो दूर हो गई है, और मुझे जाना पड़ा है मायके, तो मैं अब मायके के लिए निकल चुकी हूँ। तो फ्रेंड, आप बने रहें, देखते रहें। और ये गाड़ी में तेल ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ हमने गाड़ी में तेल डलवाया है। और मैं इसलिए खुश थी कि मेरा चैनल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वजह से हम एंजॉय करते हुए गाड़ी में जा रहे थे, और गाड़ी में गाने वगैरह बज रहे थे, तो उसी पर मैं डांस कर रही थी। और मेरी वजह से मेरी यूट्यूब फैमिली परेशान थी। और तो फिर मैं यहाँ आगे चल रहे थे, तो ये हम दिल्ली रोड पर जा रहे हैं, दिल्ली रोड से हमारा रास्ता है, तो ये हम संभल होते हुए जा रहे हैं उसके बाद। और मैं और रितेश और रितिका हम तीनों हैं, और मैं इस लिए दिखा रही हूँ लाइक का करके कि मेरा चैनल ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है, और हम बहुत ही इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। और कभी कभी जब जाते हैं और इस तरीके से इन्जॉय करते जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन भी लगता है। और देखो, छोटी सी जिंदगी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस यही है और कुछ नहीं है। फिर इसलिए हम काफ़ी इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। और उसके बाद मैं यहाँ बहुत तेज नाच रही थी, गाना बज रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी। हंसी इस वजह से ही थी कि देखो मेरा चैनल बच गया है, बस इस वजह से फुल एंजॉय कर रही थी गाड़ी में बैठकर। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आप प्लीज़ स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना, और आपको फुल एंजॉय मिलेगा इस वीडियो में। और ये गाना चल रहा था, मेरा जूता है जफानी वाला गाना चल रहा था, उस पर मैं एक्टिंग कर रही थी। तो बस एंजॉय ही कर रहे थे और कुछ नहीं है, बस आराम से अपने घर के लिए। और मायके जाने की खुशी तो देखो सभी को होती है, तो ऐसे ही मुझे भी खुशी हो रही थी, और दो दो खुशी मिल गई थी मुझे, एक तो मेरे चैनल की खुशी और दूसरा मेरे मायके जाने की खुशी। क्योंकि मायके में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे ये होता है कि रोटी बनी बनाई मिल जाती है, तो इस वजह से और ज़्यादा खुश रहती हूँ कि एक दो दिन रोटी बनाने की छुट्टी हो जाती है। और यहाँ मेरी कैंडी
बैठी हुई है और आप सबको मेरी कैंडी बहुत अच्छी लगती है और आप लोग कहते हो कि कैंडी बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही खुशनसीब है कि इस तरीके से फैमिली मिली है, इतना प्यार करती है। तो यहाँ आ गए थे हम हस्बैंड जी के ऑफिस, तो इनको ऑफिस से लेना था, तो ये इनका ऑफिस है, तो इनको ऑफिस से ले लिया है। तो अब हम चल दिए हैं ऑफिस से घर के लिए, मतलब मायके के लिए। और हम जिस रूट से जा रहे थे वहाँ पर पड़ती है हमारे यहाँ अनुपसर गंगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गंगा मैया के भी दर्शन करते चलें। तो हमने रास्ते में ही प्रोग्राम बना लिया था, तो हम आ गए हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका आनंद लीजिए और आपको यहाँ घर बैठे ही दर्शन होंगे अनुपसर घाट के, जो कि यूपी में है, अनुपसर जिला बुलंदशहर के में पड़ता है। तो यहाँ हम अब कपड़े निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम गंगा जी पे स्नान करेंगे, मतलब नहाएंगे, पर कैंडी को नहीं नहलाएंगे कैंडी का बैन है, तो इसलिए हम कैंडी को यहीं छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो खेल खिलौने लगे हुए थे, तो ये मैं देख रही थी, तो ये हनुमान जी हैं और आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराऊंगी इसमें, और आप बने रहें वीडियो में। और ये मैं देख रही थी सामान वगैरह गंगा जियों पे, जो कंगन वगैरह माला वगैरह होती हैं, तो मैं देख रही थी और अच्छी भी लगती हैं कोई कोई चीज़ें। और ये मैं पास से दिखा देती हूँ, अंगूठी वगैरह थी। तो यहाँ पे था कबूतर का बच्चा, तो इसको मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर मैंने इसको पानी पिलाया और इसको फिर मैंने एक तरफ रखा, क्योंकि मुझे जानवर हो या पक्षी वगैरह मुझे बहुत प्यार है, तो ये बहुत क्यूट सा लग रहा था। तो ये मैंने इसको पानी वगैरह पिला के और इसको मैंने छोड़ दिया था, वो भी फटर 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 एकदम ही चलता चला गया। और यहाँ हम कपड़े चेंज कर रहे थे क्योंकि अब गंगा मैया में नहाना था, तो इस वजह से तो मैं कपड़े पहन लिए हैं और मैं चलती हूँ अब गंगा जी की तरफ। तो इतना अच्छा व्यू आ रहा था गंगा जी की तरफ से, इतना अच्छा पार्क था और चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, इतनी अच्छी फुलवारी वगैरह लगी हुई थी और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। और मैं आगे आगे चल रही थी, उससे आगे मेरे से आगे चल रहा था रितेश, और इतनी साफ़ सुथरे घाट था बहुत ही ज़्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा था। और हम वो थे नाव वाले, वो बुला रहे थे बहन जी आइए आपको अंदर संगम मैया के दर्शन कराएंगे बीच मझधार में। तो हम बोले ठीक है हम करेंगे दर्शन, पर अभी पहले हम नहा लें। तो यहाँ दिखाए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम पहले तो रितेश कहने लगा कि ठीक है मम्मी पहले मैं और पापा जी नहा लेते हैं, फिर उसके बाद आप और रितिका नहा लेना। तो हम बोले ठीक है। तो यहाँ पे जब तक हमारी बारी आई तब तक बहुत लोग आ चुके थे, और इसके बाद रितेश नहा के आ गया है। तो उसके बाद फिर मेरी बारी थी कि अब मैं जाऊँ, तो मैं और रितिका फिर गए थे, तो वहाँ का शूट नहीं कर पाए थे। लगा ऐसा था कि जैसे शूट हो गई है वीडियो, पर वो शूट नहीं हो पाई थी, वीडियो लग रही थी कि बन रही है वीडियो, पर वो क्लिक नहीं हो पाई थी, तो वहाँ से क्लिक नहीं बन पाई है। तो फिर मैं इन्हीं कपड़ों को पहन कर फिर मैं चल रही हूँ चेंज के लिए। और ये काफ़ी कैप्चर किया था कैमरे में अनुपसर वाला घाट। फिर
ये हम चल दिए हैं, अब हम नहा भी लिए हैं और उसके बाद अब हम चल दिए हैं घर के लिए। और फिर मन करा था, सामने ही बिक रही थी पंडित जी की कचौरी, यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है अनूप सर की, तो क्यों ना पंडित जी की कचौरी खाई जाए। तो फिर हमने कचौरी के लिए ऑर्डर दे दिया था, आलू की सब्जी, आलू टमाटर की और कचौरी, 30 रुपए में 4 कचौरी और आलू टमाटर की सब्जी। कचौरी खाकर आ गया था एकदम टेस्ट, और हम चल दिए थे फिर घर के लिए, प्रस्थान हो गए थे। और गांव में होते हुए इतने अच्छे अच्छे खेत, आलू लगे हुए, सरसों लगी हुई, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कैंडी को हमने छोड़ दिया था और शीशे हमने खोल दिए थे थोड़े, जिससे कि कैंडी परेशान ना हो। कैंडी को इतने आतंक फैला रही थी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।